देश में एक बार फिर से कोरोना के एक्टिव केस बढ़ने लगे हैं और इसी के साथ में देश में एक्टिव केस 4.5 लाख के पार पहुंच चुके हैं। देश में अब 4,54,279 कोरोना के एक्टिव केस हैं। देश में 24 घंटे में 43,174 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 491 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है और अब तक देश में 93,09,871 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,35,752 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 39,730 कोरोना के मरीजों को छुट्टी मिली है। अब तक कुल 87,17,708 देशभर में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी के साथ में पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और वहीं 491 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक 1,35,752 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों को छुट्टी मिली है। अब तक कुल 87,17,708 कोरोना के मरीज देश में ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। देश में कुल कोरोना से एक्टिव मरीजों की संख्या 4.5 लाख के करीब हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में 43,174 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। अगर कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा दिल्ली प्रभावित है, जिसमें कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। गुजरात हो, राजस्थान हो या फिर पंजाब, सभी जिलों में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।